हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम फ्लांसर माधवी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे स्क्रीन पर जो पेज ओपन है वो पोस्टेड परचेस रिसीप्ट का है। आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो बेस्ड है कि जब भी हम कोई एंट्री पोस्ट करते हैं या हम GRN कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो पोस्टेड परचेस रिसीप्ट, पोस्टेड सेल शिपमेंट, यानी कि परचेस साइट से GRN, SRV, आप जो भी नाम कहते हैं, या फिर MRN, मटेरियल रिसिप्ट नोट, पोस्टेड इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसे नेविजन में आप पोस्टेड परचेस रिसिप्ट्स कहते हैं, और सेल साइट से सेल शिपमेंट, पोस्टेड सेल शिपमेंट, जो भी आपने सेल्स चालान, डिस्पैच डॉक्यूमेंट सेल का पोस्ट किया है वो हम चेक करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, मेन मुद्दा टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, कि अधिकतर यूज़र ये पूछते हैं कि जब भी हम कोई GRN पोस्ट करते हैं, पोस्टेड परचेस रिसीव्ड पोस्ट करते हैं, या हम जब भी कोई सेल शिपमेंट डिस्पैच डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, तो क्या नेविजन या बिजनेस सेंट्रल, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, क्या ये ERP कोई GL एंट्री क्रिएट करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री रिसीप्ट और डिस्पैच। तो सबसे पहले उस पेज का नाम जानना है जिस पेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि पोस्टेड मतलब डॉक्यूमेंट सेव हो गया सिस्टम पे, परचेस रिसीव्ड कर लिया आपने, GRN पोस्ट हो गया, उसके बाद वाला जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है उसे आप एडिट व्यू नेविगेट करके चेक करेंगे। और सेम हम सेल्स का डॉक्यूमेंट भी, जो शिपमेंट पोस्टेड शिपमेंट है वो भी चेक करेंगे। तो पेज का नाम आप देख लीजिए, पोस्टेड परचेस रिसीप्ट, और सेल साइड के पेज का नाम है पोस्टेड सेल शिपमेंट। इस तरह से आपको अपनी लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ ये S लास्ट में इंक्लूड रहता है ना, वो एक लिस्ट पेज ही होता है। तो क्योंकि क्रिएटेड जो क्रिएशन वाला पेज होता है वहाँ पे आपको मिलेगा परचेस रिसीप्ट, ना कि रिसिप्ट, और पोस्टेड वर्ड भी नहीं मिलेगा। तो पोस्टेड परचेस रिसिप्ट का मतलब होता है लिस्ट पेज, और वो भी पोस्टेड वाला। तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको लिखना होगा पोस्टेड, फिल्टर होने शुरू हो जाएगा, आपको पोस्टेड परचेस रिसीप्ट सर्च करके इस पर क्लिक करना है, यही पेज ओपन होगा। और इस पेज में आपको अपना कोई भी पोस्टेड GRN नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और क्योंकि ये टेस्टिंग डेटाबेस है, डेमो डेटाबेस है, इसलिए डेट से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, एजुकेशनल वर्जन है ये, तो आप डेट को इग्नोर कर दीजिए, पर्टिकुलर ये वाला डेट हम ले लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट नंबर, ये मेरा GRN नंबर है जो पोस्ट हो चुका है, इससे हम सेलेक्ट करेंगे और हम इसे व्यू कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली नेविगेट करके भी GL एंट्री देख सकते हैं। तो पहले एक बार व्यू कर लेते हैं, व्यू मतलब जहाँ आप एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, वैसे भी पोस्टेड डॉक्यूमेंट एडिटिंग तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। व्यू परमिशंस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्क्रीन आप देख सकते हैं, कौन कौन सा बटन एक्टिवेट होगा आपके सिस्टम पर। तो अगर आप सिर्फ व्यू परमिशंस के साथ असाइन है तो व्यू बटन क्लिक करते साथ ये पेज ओपन हो जाएगा। और ये जो साइड में सॉकेट्स आते रहते हैं ना, आप इन्हें हाइड कर सकते हैं। बहुत बार मुझे तो ये इरिटेट करते हैं, तो आप अगर इस ऑप्शंस को यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। अब जैसे ये लिमिट टोटल टू आपको जो दिख रहा है, अगर आप मेन स्क्रीन पे, ये तो पोस्टेड वाली स्क्रीन है, और नॉर्मल मेन स्क्रीन पर किसी कार्ड पे, आइटम कार्ड पे अगर इसे आप एक्टिवेट करेंगे तो ये आपको डेट फिल्टर देगा। तो आप डेट फिल्टर बैलेंस के साथ मैच करा सकते हैं, आइटम, वेंडर, कस्टमर, तो ट्रू करने से वो स्क्रीन पे एक्टिवेट हो जाएगा एज अ फिल्टर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस स्क्रीन पर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बताते बताते मुझे कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, तो मैं आपको वो एक्स्ट्रा चीज़ भी बता देती हूँ। नेक्स्ट, अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, ये पोस्टेड परचेस रिसीप्ट का पेज है। अब इसमें ये हेडर एरिया है आपका, जनरल टैब, जितने भी टैब्स होते हैं, जनरल, इनवॉइसिंग, शिपिंग, अगर ये इस तरह से हैं तो आप इन्हें क्लिक करोगे तो डिटेल मोड में ये ओपन हो जाएंगे, और अगर आप इन्हें बंद कर दोगे तो आपका पेज बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा लाइन एरिया आपका बड़ा हो जाएगा। जनरल टैब में क्या कैप्चर होता है, नॉर्मली आप देखो, जो डॉक्यूमेंट नंबर दिखेगा आपको, ये डॉक्यूमेंट नंबर है,
पोस्टेड परचेस रिसीप्ट का, आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवा सकते हैं। नंबर सीरीज वेंडर नंबर आ रहा है और वेंडर का नेम भी आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है, आपकी पोस्टिंग डेट, किस डेट को आपने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया था, डॉक्यूमेंट डेट आपके पेमेंट टर्म्स से, एजिंग से रिलेट करती है, तो डॉक्यूमेंट डेट को आपको ध्यान देना चाहिए। जितने भी एजिंग और पेमेंट टर्म्स पे काम होता है डॉक्यूमेंट डेट के बेसिस पे होता है। स्ट्रक्चर आप चेक कर ही सकते हैं। बिजनेस सेंटर में थोड़ा डिफरेंट है, बिजनेस सेंटर में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, केस ट्रीज होती है वहाँ पे। बाकी डिटेल चेक करने के बाद आप इसे हाइड कर दीजिए तो आपकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब जैसे कि ये वाला एरिया है, एक आइटम यूज़ हुआ था इस पर, क्वान्टिटी थी 10, क्वान्टिटी इनवॉइस्ड 10। क्या हम इसका GL एंट्री देख सकते हैं? यस पॉसिबल, तो हम चेक करते हैं GL एंट्री, पोस्टेड परचेस रिसीप्ट से क्या एंट्री बन रही है। अमाउंट आप इग्नोर कर दीजिए, आप चेक कीजिए एंट्री क्या बन रही है। एंट्री बन रही है इन्वेंट्री अक्रूवल इंट्रिम रॉ मटेरियल टू रॉ मटेरियल इंट्रिम। ये ड्यू बेसिस पे है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से, परचेस रिसीव करते समय कोई एडवांस पेमेंट हमें नहीं मिला था या हमने उसके साथ कोई अप्लाई एंट्री नहीं की है, प्लस इसकी फ्यूचर पेमेंट हमें आएगी इनवॉइसिंग के बाद। तो ये सारे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ अभी कैप्चर कर रहे हैं। और जब इन इस बेसिकली इंट्रीम अकाउंट में क्यों जा रहा है डेटा, क्योंकि ये अक्रूवल सिस्टम पर है और हम इन्वेंट्री को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और अभी तक हमने इन्वॉइसिंग नहीं की है तो एक्चुअल बिलिंग नहीं हुई है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी रिसीव हो रही है। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर हम रिसीव करें तो हम इससे अपने बैलेंस शीट का पार्ट बनाएंगे, अक्रूवल लेजर्स GLs ग्रुप्स का। तो आपको ये जो इन्वेंट्री अक्रूवल इंट्रिम कहाँ आपको GL मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर इसकी प्रीव्यू पोस्टिंग करेंगे हम इसका लेजर। आपको दो चीज़ें चेक करनी है, सबसे पहले मिला आपको इन्वेंट्री अकाउंट अक्रूअल अकाउंट इंट्रिम, ये GL है। अगर आपका ये GL मिसिंग हुआ, जैसे अगर अभी मैं कहूँ कि जो मैंने कस्टमर लिया था वो नेशनल लेवल का था, तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि वो नेशनल लेवल का था, जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप ज्योग्राफिकल एरिया वाइज क्या था उसका, हमारा किस तरह का वेंडर है नेशनल लेवल का, क्या प्रोडक्ट हम उससे खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल। तो वो जो प्रोडक्शन पोस्टिंग ग्रुप होता है ना, कि वो कैटेगरी क्या है कि आप उसे परचेस कर रहे हैं, तो वो RM है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या रिटेल बिजनेस है, आपका प्रोडक्शन पोस्टिंग ग्रुप आइटम बना रहे हैं या ट्रेडिंग के थ्रू खरीद रहे हैं, वो आपको एक प्रोडक्शन पोस्टिंग ग्रुप बनाना होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हुए हम ये सेटअप डिफाइन करते हैं। तो इस सेटअप में अगर ये लेजर मिसिंग होगा, तो जब ये सेटअप कॉल होगा कि वेंडर है आपका नेशनल और जो वेंडर है उससे आप क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक वेंडर से आप किस तरह का आइटम खरीद रहे हैं जिसका पोस्टिंग ग्रुप RM प्रोडक्शन पोस्टिंग ग्रुप रॉ मटेरियल है। तो आप जैसे ही GRN करने की कोशिश करेंगे, सिस्टम आपसे पूछेगा अगर ये मिसिंग है तो, कि आपको एक अक्रूअल अकाउंट देना है, ये बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, क्योंकि एक्चुअली अभी ये आपके इनकम या एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है। कोई भी अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंसेस का पार्ट तब बनता है जब उसकी इनवॉइसिंग होगी, एक्चुअल बिलिंग होगी, कॉस्ट पोस्टेड टू GL होगा एक्चुअल वैल्यू विथ एक्चुअल वैल्यू। तो अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अभी ये बैलेंस शीट का पार्ट है, अभी इनकम और एक्सपेंसेस में ये नहीं जा सकता है क्योंकि बिलिंग नहीं हुई है। तो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग हम इसे बैलेंस शीट पर असाइन करते हैं। आपको दिख रहा है ये बैलेंस शीट पर, आप जो भी ग्रुप बनाते हैं, आपके पेबल्स का ग्रुप है,
आप उसके अंदर से असाइन कर सकते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, स्पेशली मैं कहूँ तो लायबिलिटी से रिलेटेड आप चार्ट ऑफ अकाउंट जब बनाते हैं तो उस ग्रुप के अंदर से असाइन कर सकते हैं। डेमो डेटाबेस का एग्जांपल ले सकते हैं, क्रोनस चेक कर लीजिए, सिस्टम पे अवेलेबल ही होता है। और इसके बाद सेकंड जो हमें लेजर चाहिए था वो हमारे पास, सेकंड लेजर क्या है, सेकंड लेजर है हमारे पास, अगर हम चेक करें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था उस लेजर के लिए भी, जो सेकंड इंटरिम लेजर है, और मैं ऐसे ही डिफाइन करती हूँ इसलिए मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। अब जैसे मैंने लोकेशन यूज़ किया था जो वेयर हाउस लखनऊ, और मेरा आइटम था आरएम, तो लोकेशन बेसिस पे रहा लखनऊ, ये हमारा कैपिटल है उत्तर प्रदेश का। और इसके बाद रॉ मटेरियल लिया था, और ये इन्वेंट्री अकाउंट है, और ये अकाउंट है इंटरिम। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, वैसे मैं फिर से दिखाऊंगी जेल एंट्री आपको नेविगेट करके, इन्वेंट्री अकाउंट में तब डेटा जाएगा जब एक्चुअल बिलिंग होगी। अब क्योंकि रिसीव्ड एंट्री है, परचेस एंट्री है, तो वो इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट ही करेगा, और वेंडर अकाउंट जब यूज़ होगा तो इन्वॉइसिंग के टाइम पे, स्पेशली इन्वॉइसिंग के टाइम पे, एक्चुअल बिलिंग से मेरा मतलब कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, इन्वॉइसिंग है। एक्चुअल बिलिंग मीन्स इन्वॉइसिंग। तो जब आप इन्वॉइसिंग करेंगे तो वो इन्वेंट्री अकाउंट में हिट होगा टू वेंडर, तो वो वेंडर के साथ भी क्लब होगा। अभी के लिए जब जेआरएन हुआ है सिर्फ, तो एक मैंने आपको दिखाया इन्वेंट्री एक्रुअल अकाउंट, और ये है आपके पास इन्वेंट्री अकाउंट इंट्रीम, ये भी बैलेंस शीट में ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है। जब तक इन्वॉइसिंग नहीं हो सकती तब तक आप पीएल में ये लेजर्स नहीं दिखा सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना एक्सपेंसेस के तौर पर ना इनकम के तौर पर, किसी भी तौर पर। वैसे तो परचेस कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस के ग्रुप में ही जाएगा, लेकिन आप नहीं दिखा सकते जब तक एक्चुअल बिलिंग ना हो जाए, इन्वॉइसिंग ना हो जाए। शिपमेंट, रिसीविंग, ये सब चलान है, गुड्स के बेसिस पर हम रिसीव कर रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं और इसे सिलेक्ट करके नेविगेट करना है, फिर से वही प्रोसेस देखेंगे। मैंने आपको बता दिया दोनों लेजर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। एक्रूवल का लेजर आपको, इन्वेंट्री एक्रूवल का लेजर आपको जनरल पोस्टिंग सेटअप में मिलेगा, और रॉ मटेरियल इंटीम का लेजर आपको इन्वेंट्री पोस्टिंग सेटअप में मिलेगा। और जब भी आप कोई शिपमेंट या जेआरएन से रिलेटेड डेटा देखते हैं तो आपको सोर्स कोड का फिल्टर आप लगा सकते हैं, आप ऐड फिल्टर कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, आप इन्वॉइसिंग से देख रहे हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा मेरे इन्वेंट्री का लेजर है, तो आप इन्वेंट्री पोस्ट का ये जो सोर्स कोड है वो, अभी तो खैर एक ही आ रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सोर्स कोड फिल्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन्वेंट्रीज में उसके जो सोर्स कोड में कौन कौन सा डेटा गया है, इन्वेंट्री से रिलेटेड कौन कौन सा डेटा है। क्योंकि इन्वॉइस के टाइम पे यहाँ पे आपको सेल्स या परचेस दिख जाएगा जिस मॉड्यूल से रिलेटेड होगा, तो सिर्फ इन्वेंट्री से रिलेटेड गया है तो सोर्स कोड इन्वेंट्री और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट और चेयर, ये है। तो इसमें डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है, मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, मैं सजेस्ट करती हूँ आप भी यही यूज़ कीजिए। माइनस साइन के साथ जो दिखेगा वो आपको वो क्रेडिट का लेजर होगा, और जो विदाउट साइन दिखेगा वो डेबिट का लेजर होगा। जेल अकाउंट नंबर चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या है आप ये देख सकते हैं, जी पोस्टेड जीआरएन का नंबर क्या है आप ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर पे, पोस्टिंग डेट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, इन्वेंट्री पोस्ट भी दिख रहा है, सोर्स कोड जो है, और डेबिट और क्रेडिट, डेबिट हो रहा है रॉ मटेरियल इंटरिम अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है इन्वेंट्री अक्रूवल इंटरिम रॉ मटेरियल। और सबसे बेस्ट होता है कि आप एक बार इसे ज़रूर चेक करें, रॉ मटेरियल इंट्रीम अकाउंट टू इन्वेंट्री अक्रूवल इंट्रीम अकाउंट। अब नॉर्मल सी बात है, आप इस आपको देखना है कि आप इसे डिफाइन किस ग्रुप में करते हैं। अक्रूवल आपकी लायबिलिटी है तो आप इसे लायबिलिटी अकाउंट में पेबल्स के अंदर एक ग्रुप बना के रख सकते हैं, और इस तरह से आपको ये एंट्री दिखेगी, पोस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट टू जेल वाउचर इसका नाम है, डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, आपको प्रिंट ऑप्शन देना है, प्रिंटर सेलेक्ट करना, प्रिंट कमांड देना है,
और डायरेक्टली आप नेविगेट करके डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू भी सर्च करके पोस्टेड वाउचर तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और डायरेक्टली सर्च बॉक्स यूज़ करके भी जनरल लेजर एंट्री के थ्रू आप डॉक्यूमेंट नंबर डाल के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अब ये परचेस साइट मैं इसे फिनिश करने वाली हूँ, लेकिन इसे फिनिश करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी आप इस तरह की एंट्री नेविगेट करेंगे जिसका मैंने सिर्फ अभी परचेस GRN किया है, पोस्टेड परचेस रिसीव तक पहुँचे हैं और हम उस स्टेज पर इसे देख रहे हैं। वैसे तो इस एंट्री की इनवॉइसिंग हो चुकी है, जैसे कि आप इसे चेक कर सकते हो। कैसे पता चलेगा? सी क्वांटिटी इनवॉइस्ड 10 मेन क्वांटिटी थी, ये 3 इनवॉइस्ड हो गई। तो ये आप चेक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स आपको पता भी चल जाएगा कि ये पेंडिंग स्टेज में है या नहीं। और यहाँ पे कोई पेंडिंग का फिल्टर भी नहीं लगा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी क्लीन डिस्क्रिप्शन दे रहा है। पोस्टेड परचेस रिसीप्ट, ओपन, पेंडिंग, इस तरह का कोई वर्ड मेंशन नहीं है। और ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपको सबसे पहले नेविगेट और पोस्टेड परचेस रिसीप्ट, अगर आपको डायरेक्टली रिसीप्ट डॉक्यूमेंट ही देखना है स्क्रीन पर, तो आप सारे टैब्स बड़े करके देख लो। आपको हेडर्स, लाइन, शिपमेंट टैब, इनवॉइसिंग टैब, जो भी देखना है, आप पेमेंट टर्म्स से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, शिपिंग से रिलेटेड कौन सा लोकेशन पर आप रिसीव कर रहे थे वो देखनी है, वो आप सारा कुछ यहाँ से देख सकते हो। और फिर इस पर वापस आ जाओ, क्लोज करो। जेल एंट्री तो मैंने आपको दिखा दी, जितने नंबर से उस पर जाके क्लिक करो, उस तरह से आप जेल एंट्री देख सकते हो। फिर अगर हम वापस आएँ तो आप ILE चेक कर सकते हो, आइटम लेजर एंट्रीज, डॉक्यूमेंट टाइप परचेस रिसीव्ड का डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, आइटम नंबर, लोकेशन, क्वांटिटी, क्वांटिटी इनवॉइस, रिमेनिंग क्वांटिटी अगर बची होगी तो कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल, तो ये आपको चेक करना है कि कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल कितना था, तो आपको वैल्यू एंट्रीज में भी वही रिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्ट कॉस्ट। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है परचेस से रिलेटेड, कि ये आपके आइटम का डायरेक्ट कॉस्ट कैप्चर कर रहा है। अब अगर हम इस एंट्री का रेफरेंस लें थोड़ी देर के लिए और कहें कि जब हम इनवॉइसिंग करेंगे, जब हम इनवॉइसिंग करेंगे तो ये जो मेरी एंट्री है, ये मेरी एंट्री जो है वो क्या रिवर्स होगी या आगे जाके इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंट में मर्ज हो जाएगी? तो आंसर ये है कि जैसे ही आप इनवॉइसिंग करोगे, सबसे पहले पोस्टेड GRN वाली जो एंट्री है, ये जो वैल्यू इन दो लेजर में जाके पोस्ट हुई है, आफ्टर पोस्टिंग GRN पहले आप चेक करो, ये वाली एंट्री आपको दिख जाएगी विद वैल्यू। और जैसे आप इसका इनवॉइस पोस्ट करोगे, इसकी ठीक रिवर्स एंट्री पोस्ट होगी। रिवर्स एंट्री क्या करेगी? रिवर्स एंट्री इन्वेंट्री अक्रूवल इंट्रीम अकाउंट रॉ मटेरियल टू रॉ मटेरियल इंट्रीम कर देगी, इसे डेबिट करेगी, इसे क्रेडिट करेगी। और जैसे ही रिवर्स होगा, प्लस माइनस होगी, इसका इंपैक्ट जीरो हो जाएगा और फिर आपकी इनवॉइस इंट्री क्रिएट होगी। इसे और इजी करते हैं आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। तो नेक्स्ट चीज़, पहले मैं सेल्स मॉड्यूल भी कवर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इससे भी एक और इजी चीज़ दिखा दूँगी। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने कभी डॉक्यूमेंट पोस्ट करके रखा था ये आपको दिखाने के लिए, कि आप अगर सेल्स शिपमेंट, एक आपने पोस्टेड डिस्पैच डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, सेल्स चालान पोस्ट किया, तो जैसे आप GRN देख रहे थे वैसे आपको फिल्टर करना है, सर्च बॉक्स यूज़ करना है, पोस्टेड सेल्स शिपमेंट डॉक्यूमेंट लिखना है। पोस्टेड सेल शिपमेंट आप जैसे लिखोगे मल्टीपल लिंक्स आएंगे, पोस्टेड सेल शिपमेंट चूज़ कर लेना है। और अगर आपका रोल सेंटर में साइड में जो ऑप्शंस आते हैं अगर इस तरह से अटैच है, तो जैसे मैंने अभी क्लिक किया था, आप डायरेक्टली क्लिक करो, आपका लिस्ट पेज खुल जाएगा इस तरह से। और मल्टीपल पेज मैंने खोल रखे हैं तो मैं यहीं से खोल लेती हूँ, ये यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। और ये ओपन हुआ, इसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें नेविगेट करना है और आपको मिल गया पोस्टेड सेल शिपमेंट। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट देखना है तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या लिया था, हेडर लाइंस, ये लाइन एरिया है, बाकी सारे आपके हेडर हैं,
लाइन एरिया के छोड़ के जितने भी टैप्स होते हैं वो सब हेडर होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, पोस्टेड आपकी जो जनरल लेजर एंट्रीज थी वो चेक करना है। इस पेज का नाम जनरल लेजर एंट्रीज है। डॉक्यूमेंट नंबर डेट, ये आपका पोस्टेड डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, सेल शिपमेंट कह सकते हैं आप इसे। फिनिश गुड्स इंटरिम, और दूसरे लेजर का नाम है कॉस्ट ऑफ रिसेल सोल्ड। ये जो नाम है आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। और प्लस वन चीज़ क्या है कि आप इसे हमेशा इस तरह से यूज़ कीजिए तो पता चलेगा ये ऊपर वाला डेबिट है और नीचे वाला क्रेडिट है। माइनस साइन के साथ आने वाला जो भी लेजर है वो क्रेडिट होता है। प्लस आपको एक चीज़ और भी देखनी चाहिए, बैलेंस शीट। दूसरी चीज़ बैलेंस शीट, जैसे मैंने आपसे कहा जब तक एक्चुअल इनवॉइसिंग नहीं होगी कभी भी आपका जो लेजर की वैल्यू है, एंट्री से जो वैल्यू जा रही है, वो कभी भी पीएल प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगी। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनने के लिए इनवॉइसिंग होना ज़रूरी है। जैसी बिलिंग होगी, एक्चुअल वैल्यू पोस्ट होगी, तब वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपल सा लेजर दिखेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इसके अलावा भी है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेजर जिसमें अंडर ब्रैकेट इंट्रिम नहीं लिखा है और उसका लेजर नंबर भी अलग है। जैसे इसका 2112 है, उसका लेजर नंबर अलग है। और जैसे आप इनवॉइस एंट्री पोस्ट करोगे इसी डॉक्यूमेंट को टैग करते हुए, स्पेशली ये याद रखने वाली बात है, चाहे GRN हो चाहे सेल शिपमेंट हो, इनवॉइसिंग करते समय GRN कर जब GRN का सेम रेफरेंस लेना है गेट पोस्टेड परचेस रिसीप्ट से, और यहाँ पे सेल साइड में सेल शिपमेंट से, जब आप इनवॉइसिंग करते हो अगर आप यही डॉक्यूमेंट कैप्चर करके पोस्ट करोगे तो आफ्टर इनवॉइसिंग सबसे पहले जैसे इनवॉइसिंग होती है वो पोस्टेड GRN पोस्टेड सेल शिपमेंट की ठीक रिवर्स एंट्री पास करता है सिस्टम। ये जो इन्वेंट्री पोस्ट वाली एंट्री है इसमें जो डेबिट है और जो क्रेडिट है ठीक अपोजिट एंट्री पास्ट होगी, और पास होते साथ इसका इम्पैक्ट ज़ीरो हो जाएगा। अभी जैसे आपको 701.19 दिख रहा है, ये दो अलग अलग लेजर में गया है और ये बैलेंस शीट में जाके खड़ा हो जाएगा। जैसे आप एंट्री पोस्ट करोगे, इनकम स्टेटमेंट इनवॉइसिंग एंट्री पोस्ट करोगे, ये सबसे पहले बैलेंस शीट वाले लेजर से वैल्यू ठीक एक अपोजिट एंट्री पास होगी, रिवर्स होगा डेटा। रिवर्स होने के बाद वही जो आपके इनकम स्टेटमेंट में इनकम साइड में COGS का लेजर बना होगा उसमें जाके डेटा पोस्ट होगा, और इन्वेंट्री का जो केस है, जो आपका स्टॉक है, उसमें SG में डेटा पोस्ट होगा और वेंडर के साथ वो क्लब होगा। प्लस जब आप इन्वेंट्री परचेस करते हो तो इन्वेंट्री के साथ इन्वेंट्री की वैल्यू भी पोस्ट होती है, जो DC अकाउंट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लाइफ अकाउंट में जाती है। तो आपको जब इन्वेंट्री पोस्ट होगी ये डेटा रिवर्स होगा, तो इन्वॉइसिंग के टाइम पर भी आपको इसी तरह से नेविगेट करके डेटा देखना है कि कौन सा लेजर किसके साथ मैप हो रहा है। ये तो रिवर्स होके इन दोनों का इम्पैक्ट नील हो जाएगा। तो अगर आप इनवॉइस स्क्रीन पर डेटा देखोगे तो पहले तो आप एक फिल्टर लगा के देखना कि इन्वेंट्री पोस्ट सोर्स कोड पे कितना डेटा गया है, वो सारा आपका शिपमेंट रिसीविंग वाला डेटा होगा जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा। उसके बाद आप इन सेल्स या परचेस से रिलेटेड डेटा देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा ये इनवॉइसिंग से रिलेटेड डेटा है। प्लस आपके डॉक्यूमेंट टाइप में भी यहाँ इनवॉइस आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मैं आपको एक बार प्रिंट वाउचर भी करके दिखा देती हूँ। सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंट्रिम एफजी इंट्रिम। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंट्रिम आपको कहाँ दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर बहुत जल्दी मैंने हटा दिया तो एक बार और प्रीव्यू कर देती हूँ आपके लिए। प्रीव्यू करने का सेम ऑप्शन है, आपको चेक करना है। सी आप प्रिंट ले सकते हैं, बाद जैसे आप
इसके बाद आप आईएलई और वैल्यू एंट्री भी चेक कर सकते हैं। जो आइटम की कॉस्ट होती है वो वैल्यू एंट्री पे जाती है, तो वैल्यू एंट्री भी क्रिएट करता है सिस्टम। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सी दो अलग अलग लेजर आप असाइन कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कंसल्टेंट एक ही लेजर असाइन कर देते हैं तो भी डेबिट क्रेडिट होके सिस्टम उसे फिनिश करता है, लेकिन आई सजेस्ट कि आप दोनों के अलग अलग लेजर्स बनाएं। क्यों, उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। देखिए COGS जिसमें कोई इंट्रिम वर्ड नहीं लिखा है, इंट्रिम का मतलब होता है कि वो आपके लाइबिलिटी से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड लेजर होगा, जो एक्चुअल इन्वॉइसिंग नहीं हुई होगी, जो इनकम या एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होगा, वो लेजर इंट्रिम में जाते हैं। फिर से बोलती हूँ, इंट्रिम में वो लेजर जाएंगे जो आपके असेट्स या लाइबिलिटी, असेट्स या लाइबिलिटी का पार्ट होगा, ठीक है। और जैसे कि अभी हम सेल साइड की बात कर रहे हैं तो हमारी एसेट्स का पार्ट होगा COGS अकाउंट इंट्रिम, और आप ऐसे असेट साइज में जो करंट असेट्स हैं वहाँ पे आप इन्वेंट्री के ग्रुप में बना सकते हैं। दूसरा जो COGS लिखा हुआ है, ये वाला लेजर जो है ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू तब आएगी जब आप इन्वॉइसिंग करेंगे। इन्वॉइसिंग करते साथ ये आपके इनकम स्टेटमेंट के इनकम ग्रुप का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो एक सेलेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने कितना खर्चा किया है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताता है। तो ये जानने के लिए हमें इस लेजर की वैल्यू चेक करने की ज़रूरत है कि एक आइटम को बनाने में आपने कितना एफर्ट्स, इतने पैसे लगाए हैं। नेक्स्ट ये हो गया। तो आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि शिपमेंट और रिसीप्ट, इन दोनों एंट्रीज के पोस्ट होने से आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा जो इनवॉइसिंग के समय निल ना हो। जितनी भी शिपमेंट और जितनी भी रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट होती है, जैसी उनका रेफरेंस लेके इनवॉइसिंग एंट्री पोस्ट होगी, वो डेटा सबसे पहले शिपमेंट का है तो शिपमेंट एंट्री को रिवर्स कर देगा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट करेगा। सेम वो परचेस साइड की रिसीविंग पोस्टेड रिसीविंग एंट्री के लिए भी करता है, JRM के लिए भी करता है। तो दोनों केसेस में इनवॉइसिंग तक आप उसे नहीं देखेंगे, इनवॉइसिंग के लिए आपकी फिर से एक सिंपल सी एंट्री क्रिएट होगी, जो आप देखते हैं अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, वैसी एंट्री आपको चेक करनी होगी। तो एक ये जो एंट्री थी हमने देखी। अब इससे रिलेटेड अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा तो मैं एक और रेफरेंस ले लेती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई इनवॉइसिंग की, और हम इसे नेविगेट करके या प्रीव्यू करके देखेंगे, एक सर्च का आइकन बन रहा होगा। या सी GL एंट्री, दिस इज द इनवॉइस एंट्री। अब आप देखिए, जब आपने इनवॉइसिंग की, ये इन एक्सपेंसेस कैटेगरी का इनवॉइस है, जब आपने इनवॉइसिंग की तो क्या हुआ, सेल सोर्स कोड सेल्स है और सेल्स में डेटा गया है और कस्टमर में गया है। GL का नाम अपने आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और आप ये चेक कर सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट आफ्टर बिलिंग इन्वॉइसिंग, ये आप देखिए डॉक्यूमेंट टाइप इन्वॉइस है, GL अकाउंट नेम आपके ऊपर है, आप क्या करते हो, अगर आप सिर्फ सेल लिखते हो या सेल्स रिटेल लिखते हो, बहुत सारी कैटेगरी अगर इनकम स्टेटमेंट में होती है तो लोग क्या करते हैं, रिटेल वर्ड क्लियर लिख देते हैं, सर्विसेज के लिए अलग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग बनाते हैं, सेग्रीगेशन हो जाते हैं बहुत सारे, तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लेजर्स असाइन कर देते हैं। रेवेन्यू के अंदर आ रहा है, इनकम के स्टेटमेंट के अंदर, तो आप अकाउंट नंबर चेक करो, लेजर का नाम चेक करो, और
चेक करना कि सेल्स सोर्स कोड सेल्स हो, डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस हो, अगर और डॉक्यूमेंट नंबर से पता चल जाएगा कि वो एक्सपेंसेस की कोई एंट्री पास कर रहा है जिसमें हो सकता है शायद किसी तरह के इन्वेंट्री ना हो, वैसे हम चेक कर लेंगे अभी। और दूसरी, हमेशा इस तरह से करो तो आपको इजी होगा समझने में कि डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ। डेबिट हो रहा है कस्टमर और क्रेडिट हो रहा है आपका सेल्स रिटेल डोमेस्टिक, ठीक है। कैप्शन आपके ऊपर है, आप डिस्क्रिप्शन क्या लिखते हो। सी, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बार ये शिकायत आती है कि कस्टमर का नाम नहीं आ रहा है। सी, कस्टमर का नाम आ रहा है जॉन हैडॉक इंश्योरेंस कंपनी टू सेल्स। इतना ही आप पढ़ो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है वो प्री डिफाइन है। तो कस्टमर टू सेल्स, कौन सा कस्टमर? कस्टमर का नाम कस्टमर के कार्ड से आ रहा है, सेल्स वाउचर इस वाउचर का नाम है, और आपको डेबिट क्रेडिट अमाउंट दिख रहा है। अगर आपने कोई नरेशन डाले हुए तो नरेशन भी आपको दीजिए, और नरेशन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट के, और आप अपने टेक्निकल को बोल सकते हैं कि वो उसे प्रिंट करवा दे। अगर आप बीसी यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड लाइन जो आइटम के नीचे एक लाइन लेकर कमेंट ऑप्शन यूज़ करके भी आप कमेंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, तो इतना करने के बाद अगर हम एक चेक कर लें कि इसमें कौन सा आइटम पोस्ट हुआ था, सेल इनवॉइस है, आइटम लेजर एंट्री सेल है, डायरेक्ट कॉस्ट सेल्स अकाउंट, हम चेक कर लेते हैं कौन सा आइटम इसके साथ आया था। कंप्यूटर हाईलाइन पैकेज, अब डिपेंड करता है कि इस तरह के आइटम को आपने आइटम कार्ड के अंदर बनाया है या आपने इसे फिक्स एसेट्स के तौर पे बनाया है। सी, जितने भी रेफरेंसेस होते हैं उसे क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इसे बनाया होता तो मैं कोशिश करती कि मैं इसे एज अ फिक्स एसेट्स बनाऊँ, लेकिन ये डेमो कंपनी है तो डेमो कंपनी में ऐसे आइटम लिस्ट के अंदर रखा गया है, और ये असेंबलिंग का पार्ट है, असेंबलिंग पॉलिसी, असेंबलिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं बिज़नेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट क्या है और हम क्या करना चाहते हैं। हम इसे फिक्स एसेट मॉड्यूल यूज़ करेंगे या इन्वेंट्री में ही बना लेंगे आइटम लिस्ट में, तो इस तरह से चीज़ें हैं। प्लस अगर मल्टीपल आइटम है तो मल्टीपल ILE और मल्टीपल वैल्यू एंट्रीज बनेंगी। जितना स्क्रीन छोटा करेंगे आपको लाइंस दिख जाएंगी, इसमें दो ही आइटम यूज हुए थे। इस तरह से आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, और हमेशा आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। पोस्टेड सेल इनवॉइस, पोस्टेड सेल इनवॉइस का मतलब है यही आपकी मेन क्वांटिटी है जो पोस्ट हुई है। अगर ये सेल्स ऑर्डर स्क्रीन रहती तो मैं आपको ये कह सकती थी कि मेन क्वांटिटी अलग हो सकती है और पोस्टेड क्वांटिटी शिपमेंट या इनवॉइसिंग वाली अलग हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम देखते हैं कि हम किस डॉक्यूमेंट पे हैं। तो अगर हम सेल इनवॉइस डॉक्यूमेंट पे हैं तो क्वांटिटी यही है। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, उस पे नेविगेट करना, और इस तरह से आप उसकी जीएल एंट्री देख सकते हो, आप कस्टमर लेजर एंट्री देख सकते हो, डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री देख सकते हो। अगर हम डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री की बात करें तो इसमें आपके अगर एप्लीकेशन एंट्री होगी तो वो अप्लाई हो चुकी होगी, उसमें आपको दिख जाएगी। और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मली एक कंसल्टेंट दूसरे किसी ब्लॉगर या ब्लॉगिंग साइट की तारीफ नहीं करता है, लेकिन अगर कोई ब्लॉग बहुत ही बेहतरीन हो जिससे हम कुछ सीख सकें और स्पेशली लर्नर्स को फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया कि सेल शिपमेंट होने के बाद भी सेल एंट्री जनरेट होती है इन्वेंट्री से रिलेटेड, और इनवॉइसिंग के टाइम पर वही पोस्टेड एंट्री पहले रिवर्स होती है फिर नई इनवॉइस की एंट्री पोस्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम किसी को समझाते हैं तो उसे बहुत टाइम लगता है, पहली बार में नहीं समझ में आता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप ये कहा जाता है कंसल्टेंट से कि अगर आपके पास कोई वीडियो है या कोई प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है तो हमें प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो आज मैं सजेस्ट कर रही हूँ आर्कर पॉइंट, नाम तो आप सबने सुना ही होगा,
अगर आप लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल, तो आपको ये वाला ब्लॉग मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग है आर्कर पॉइंट का, और मैं भी अक्सर पढ़ती हूँ ये, तो मतलब मेरे लिए भी बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग है। आपको इसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा, और अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल बुलियन आपके सेटअप में ट्रू है, किस सेटअप में, आपको सेटअप का पेज का नाम भी मिल जाएगा, इन्वेंट्री सेटअप है। इस इन्वेंट्री सेटअप पेज को आपको अपने सॉफ्टवेयर में सर्च करना है, आप बीसी यूज़ करें या नेविजन, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। ये पेज सर्च करके अगर आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्ट टू जीएल कर देते हैं, तो ही शिपमेंट और रिसीप्ट के डॉक्यूमेंट आपके जनरेट होंगे, एक्सटिमेटेड एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्रिएट होगा, और जब इनवॉइसिंग करेंगे तो वो कॉस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल एक्चुअल में। ऑटोमेटिक कॉस्ट पोस्टिंग या ऑटोमेटिक कॉस्ट पोस्टिंग के लिए है, लेकिन जीआरएन का डेटा और शिपमेंट का डेटा देखना है तो ये सेकेंड ऑप्शन है। बाकी तो आपके इनवॉइसिंग के लिए है कि कॉस्ट ऑटोमेटिकली पोस्ट होता रहेगा, तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल फॉर शिपमेंट और जीआरएन आपको इसे पढ़ना है, समझना है। और सबसे बड़ी चीज़, परचेस ऑर्डर रिसीव्ड बट नॉट इनवॉइस्ड। रिसीव्ड हुआ यानी कि जीआरएन हुआ लेकिन इनवॉइस नहीं हुआ, तो कौन सी एंट्री बनेगी? व्हेन परचेस रिसीव्ड इन इनवॉइस्ड, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो पहले जीआरएन हुई थी लेकिन इनवॉइस नहीं हुई थी, इनवॉइस के टाइम पर सबसे पहले वो एंट्री रिवर्स होगी, वो एंट्री रिवर्स होगी। देखिए यहाँ रिवर्स भी हो रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिल जाएगा कि एक डेबिट हो रही और एक क्रेडिट हो रही है। जो क्रेडिट हुई थी वही डेबिट होगी, और मतलब ठीक रिवर्स हो जाएगी। और जीएल का जो नाम है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जीएल का नाम क्या रखते हैं। अभी सॉफ्टवेयर में आपने देखा जैसा नाम था, आप चाहे तो वैसा नाम रख सकते हैं, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जिस ऑर्डर में ये डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है, इसे पढ़िए, समझिए। परचेस के लिए ये दो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट, परचेस ऑर्डर रिसीव्ड बट नॉट इनवॉइस्ड, व्हेन द परचेस रिसीव्ड इज इनवॉइस्ड, सिचुएशन बेस्ड है, जब वो इनवॉइस नहीं हुआ है, जब वो इनवॉइस हुआ है। जब इनवॉइस नहीं हुआ है, शिप रिसीव्ड स्टेज पे है, तो एक्रूअल वाली एंट्री मिल जाएगी आपको, और जब वो इनवॉइस हो जाएगा तो एक्चुअल इन्वेंट्री और पेबल यानी कि वेंडर के अकाउंट में जाएगा। और एक्सपेक्टेड अमाउंट का यही मतलब होता है कि जीआरएन वाली वैल्यू, एक्सपेक्टेड अमाउंट मीन्स जीआरएन वैल्यू। तो पहले जीआरएन वैल्यू जो पोस्ट हुई है वो एक्सपेक्टेड अमाउंट के साथ पोस्ट होती है, क्योंकि जीआरएन के टाइम पे हो सकता है आपको एक्चुअल वैल्यू बिल की ना पता हो, जब आप बिल करें तो जीआरएन वैल्यू से थोड़ी सी चेंज हो जाए उस सिचुएशन में सिस्टम। इसीलिए कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि जीआरएन जिस वैल्यू पे भी पोस्ट हुई थी, अगर 5 रुपये पे भी पोस्ट हुई थी, तो सबसे पहले ठीक एक अपोजिट एंट्री जीआरएन वाली पोस्टेड एंट्री की एक अपोजिट एंट्री रिवर्स एंट्री पोस्ट करके विद द सेम वैल्यू 5 रुपीज़, पहले उसे नलीफाई, उसे ज़ीरो कर दो, उसके बाद एक नई इनवॉइस एंट्री बनाओ जो बिल्कुल फ्रेश होगी। तो ये कॉन्सेप्ट ही सेल्स पे भी फॉलो हो रहा है, पोस्टेड सेल इनवॉइस पे। सी, दिस इज़ द बेस्ट डॉक्यूमेंट आई हैव सीन इन दिस टॉपिक। तो माई सजेशन इज़, प्लीज़ रीड दिस डॉक्यूमेंट केयरफुली, और आपकी जितनी भी फाइनेंशियल्स, स्पेशली इस टॉपिक पे जो डाउट है ना, कि जब भी आप कोई रिसीप्ट जीआरएन पोस्ट करते हो या सेल शिपमेंट पोस्ट करते हो, और वो कब रिवर्स होता है, रिवर्स होता है भी या नहीं, पूरा का पूरा होता है या नहीं, कुछ उसके इम्पैक्ट रह जाते हैं, या कौन सा जीएल देना चाहिए, सिर्फ सेटअप का नाम क्या है, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग वाले ऑप्शन से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और स्पेशली जीएल रिकॉन्सिलेशन जो पार्ट है ना, जो ऑडिटिंग के टाइम पर आप फंस जाते हो कि इन्वेंट्री वैल्यू, फिजिकल इन्वेंट्री कुछ और आ रही है, कॉस्ट पोस्टेड टू इन्वेंट्री अकाउंट जीएल अलग आ रहा है, और आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट अलग आ रही है, तो वो प्रॉब्लम बहुत हद तक स्मूथ होगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो आप एक टेस्टिंग कंपनी क्रिएट करके थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर लो अगर आप चाहो, और उसके बाद इसे अपने लाइफ सिस्टम पे भी कवर कर लो। तो लेकिन उसके पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, डीपली
जब डीपली और थॉरली आप समझ लो तभी अपनी लाइफ सिस्टम पर इसे यूज़ करना, वरना इसे टेस्टिंग का पार्ट रखो, टेस्ट कंपनी बना के इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करो। और मेरे बनाई यूट्यूब वीडियोस देखते रहिए, मैं हर बार आपको ऐसी कुछ नई यूनिक चीज़ें बताऊँगी। तो सेल्स साइड के लिए जो आपको चेक करना है वो है सेल्स ऑर्डर बट नॉट इनवॉइस्ड। यहाँ शिफ्ट वर्ड रह गया है, शिफ्ट बट नॉट इनवॉइस्ड। तो शिफ्ट होते समय आपको ये दिखेगा डेबिट क्रेडिट, और शिपमेंट जब आप इनवॉइस करोगे व्हेन शिपमेंट इज़ डन नॉट इनवॉइस्ड, तो आपको पहले वो शिपमेंट वाली एंट्री रिवर्स करेगा जो कि ये है एक्सपेक्टेड कॉस्ट वाली, और उसके बाद वो पोस्ट करेगा इनवॉइसिंग के टाइम पे ये एंट्री COGS टू इन्वेंट्री। अब अगर आपकी FG है तो वह FG पोस्ट करेगा, मतलब जो लेजर का नाम है जिसमें इन्वेंट्री पोस्ट हो रही है, जो बैकेंड से आपने असाइन कर रखा है आपके इन्वेंट्री अकाउंट के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था जनरल प्रोडक्शन पोस्टिंग ग्रुप, उसमें जो असाइन है वो कॉम्बिनेशन लेते हुए COGS टू इन्वेंट्री अकाउंट। तो आपको ये रीड करना है, समझना है, समझने की कोशिश करना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के कमेंट पे डाल सकते हैं, मुझे मेल मैसेज भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट देखेंगे तो रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट का नाम भी यहाँ पे है। चार्ट ऑफ अकाउंट आप कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या देते हैं, और किस CL को इनकम स्टेटमेंट और किस CL को बैलेंस शीट का पार्ट बनाते हैं, प्लस आपके सेटअप में कौन सा लेजर किस तरह से डिफाइन है। COGS के लिए आपको दो लेजर का ऑप्शन दिया गया है, दो अलग अलग लेजर आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही लेजर डिफाइन करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। इन्हीं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने के कारण आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो मैच नहीं करती है, तो आपको इसमें थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर मैं सॉफ्टवेयर पे वापस आऊँ तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ जो आपके काम ही आने वाला है। आपको ना हमेशा इस तरह से सर्च करना चाहिए, शिफ्ट नॉट इनवॉइस, कम्प्लीटली शिफ्ट नॉट इनवॉइस, पार्शली शिफ्ट। अगर आप इस तरह से चीज़ें चेक करेंगे ना तो आपको फिल्टर लगा हुआ डॉक्यूमेंट मिलेगा। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट मिला, अब यहाँ पे हेड इस जो साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रोल सेंटर में शॉर्टकट्स आ रहे हैं, अगर आप साइन देखो तो फिल्टर का साइन लग रहा था, यहाँ पे फिल्टर्स लगने शुरू हो जाते हैं। इस पेज का नाम भी देखिए, सेल्स ऑर्डर शिफ्ट नॉट इनवॉइस लिखा हुआ है। किसी भी ऑर्डर को व्यू करके आप चेक कर सकते हैं कि ये रिलीज स्टेटस पे है और उसकी मेन क्वांटिटी 1 है और क्वांटिटी शिफ्ट मतलब हो चुका है। मेन क्वांटिटी 1 थी, क्वांटिटी शिफ्ट भी 1 है, यानी कि जितनी मेन क्वांटिटी है उतना शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इसकी इनवॉइस 1 भी नहीं हुई है, पेंडिंग है। 2 जहाँ क्वांटिटी 2 वर्ड लिखा रहता है वो उस स्टेज का डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो क्वांटिटी 2 इनवॉइस पेंडिंग है लेकिन क्वांटिटी टू शिफ्ट क्लियर हो गया है, कोई रिमेनिंग क्वांटिटी नहीं बची है क्योंकि मेन क्वांटिटी 1 थी, शिफ्ट हो चुकी है, इसका चालान इसका शेयर शिपमेंट बन चुका है मेन क्वांटिटी के इक्वल, और बचा सिर्फ इनवॉइस है। शिफ्ट मतलब हो चुका है शिफ्ट, और क्वांटिटी इनवॉइस्ड का भी यही मतलब होता है कि हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू अपडेट नहीं हुई, इसका यहाँ पे खड़ी है वैल्यू क्वांटिटी टू इनवॉइस कॉलम में, इसका मतलब रिमेनिंग फॉर इनवॉइसिंग। तो इन फील्ड्स का वैल्यू का मीनिंग आपको समझने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट स्टेटस चेक करना है, इसका फिल्टर लगा हुआ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर मैं सेकंड में जाऊँ, कम्प्लीटली शिफ्ट नॉट इनवॉइस्ड, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसमें आपको कितने डॉक्यूमेंट मिल रहे थे, 6 हैं। अब आप यहाँ चेक कीजिए, सिर्फ 2 हैं, यानी कि यहाँ पे एक और कोई फिल्टर लगा है, सेल्स ऑर्डर कम्प्लीटली शिफ्ट नॉट इनवॉइस्ड। अब किसी एक को तो हमें चेक करना ही पड़ेगा कि स्टेटस क्या है, रिलीज्ड स्टेटस था, मेन क्वांटिटी हमारे पास है और क्वांटिटी शिफ्ट, क्वांटिटी इनवॉइस्ड नहीं है, सिर्फ शिफ्ट है, क्वांटिटी शिफ्ट हो चुकी है लेकिन क्वांटिटी किसी तरह से इनवॉइस नहीं हुई है। एक स्टेटस, दूसरा भी चेक कर लेते हैं, क्वांटिटी आपके पास है 4, ये मेन क्वांटिटी है, क्योंकि इस पेज का नाम है सेल्स ऑर्डर, मेन क्वांटिटी है 4,
क्वांटिटी शिफ्ट, क्वांटिटी शिफ्ट क्वांटिटी टू इनवॉइस, पूरी की पूरी इनवॉइस होने के लिए बची हुई है। तो इस तरह से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में जब कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर्स लगते हैं, और आप यहाँ देख सकते हो कि किसके बेसिस पे है, कम्प्लीटली शिफ्ट इज यस, इनवॉइस इज नो, यहाँ पे दो फिल्टर लगे हैं। इस डॉक्यूमेंट का बेसिस क्या है, आपको कर्सर बस थोड़ा सा फिल्टर ऑप्शन पे ले जाना है, तो सिस्टम आपको बताएगा कि ये किस बेसिस पे बना हुआ फिल्टरेशन डॉक्यूमेंट है। कम्प्लीटली शिफ्ट इज यस, इनवॉइस इज नो। अब इस पे भी चेक कर लेते हैं सेम चीज़, इसका फिल्टर क्या था, इसका सिर्फ एक फिल्टर है, शिफ्ट नॉट इनवॉइस इस यस, इसलिए यहाँ पे आपको छः डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, क्योंकि सारे तो सेल्स ऑर्डर ही हैं और वहाँ पे आपको सिर्फ दो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, शिफ्ट नॉट इनवॉइस्ड इज यस। तो इस फिल्टर के बेसिस पर ये दो अलग अलग पेज बन रहे हैं। इसी तरह आप रेडी टू शिप, पार्शली शिफ्ट वगैरह भी देख सकते हैं, और सेल्स ऑर्डर ओपन, तो आपको इस तरह के पेजेस सर्च करने हैं। आप परचेस रिसिप्ट साइट के लिए भी चेक कर सकते हैं, सबको व्यू मोड पर खोल के देखिए, तो क्या होगा कि अगर ये सेल्स ऑर्डर है और आपको लगता है कि गलती से कुछ क्लिक ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो आप व्यू मोड पर खोलिए। रिलीज डॉक्यूमेंट हो या ओपन डॉक्यूमेंट हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, व्यू पे आप सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देखना है कि हेडर्स पे क्या इन्फॉर्मेशन है, लाइन पे क्या है, और अगर आपके अथॉरिटी में परमिशंस में ये असाइन है कि आप ये पेजेस ओपन करके चेक कर सकते हैं, तो यू कैन ईजीली व्यू, ताकि आप डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस कंडीशन का पता लगा सके और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको थोड़ी सी रिसर्च, एनालिसिस और टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें और ईमेल आईडी यूज़ करें मेरे चैनल का, और मुझे क्वेश्चंस भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।